अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सोलो टीपीपी या सोलो एफपीपी में कॉन्करर पुश करने की टिप्स के ऊपर। उस वीडियो में मैंने बहुत सारी टिप्स बताई थी कि आप कैसे कॉन्करर पुश कर सकते हो सोलो टीपीपी या फिर सोलो एफपीपी में। सारी टिप्स जो थी स्पेशली वो सोलो के लिए थी। तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि आपके पास सफिशियंट टाइम है, 2 महीने बहुत होते हैं, 60 डेज हैं आपके पास रैंक पुश करने के लिए, और सोलो में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो 2 महीने में आप इजीली कॉन्करर कर सकते हो, ये मैंने कहा था। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई आप गलत बोल रहे हो, 2 महीने का सीज़न नहीं है, इस बार 1 महीने का सीज़न है, हमारे पास 1 मंथ है। और काफ़ी सारे लोग डिमोटिवेट हो रहे थे ये सोच के, परेशान हो रहे थे कि भाई 1 महीने में कैसे हम इतने पॉइंट्स कर सकते हैं, हैकर्स तो इतना ऊपर चले गए, लॉबी इतनी हार्ड हो गई है, 1 महीने में कैसे पुश होगा। तो मेरी जान देखो, सीज़न जो है रैंक पुश करने के लिए जो सीज़न है वो 2 ही महीने का है, 60 डेज आपके पास अभी भी है रैंक पुश करने के लिए। रॉयल पास जो है, आरपी जो है, वो एक एक महीने में डिवाइड की गई है, सीज़न 2 महीने का ही है, इस सीज़न की जो आरपी है वो डिवाइड की गई है। जैसे पहले मंथ में आपको 1 से लेके 50 आरपी तक देखने को मिलेगा, सेकेंड मंथ में आप 51 से लेके 100 तक कर सकते हो, है ना। जैसे पहले होता था कि पहले ही मंथ में तुरंत लोग आरपी परचेस करके 100 आरपी कर लेते थे, बट अभी पहले मंथ में आप 50 से ज़्यादा आरपी नहीं कर सकते हो, आपको 100 करनी होगी दूसरे मंथ में, है ना। तो 2 मंथ में आपको रॉयल पास स्प्लिट किया गया है। और अभी मैं आपको सीजन में जाके दिखा दूँ, देखो यार ऊपर लिखा है साइकिल 1 सीज़न 1 और उसके नीचे डेट लिखी गई है 2021 7/14, यानी 7 यानी जुलाई, 14 यानी 14th of July 2021 को सीजन स्टार्ट हुआ है, और एंड होगा 2021 9/14 यानी 14 सितंबर को ये सीजन एंड होगा, यानी 2 महीना, जुलाई अगस्त और सितंबर, 2 महीने का टाइम है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में भी आप जाके देखो तो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ईच सीजन लास्ट अबाउट 2 मंथ्स, क्लियर लिखा है 2 महीने का सीजन है, आपके पास 2 मंथ है 60 डेज है रैंक पुश करने के लिए, तो परेशान बिल्कुल नहीं हो। आरपी की अगर बात की जाए तो वो आपको पहले 50 तक मिलेगी फर्स्ट मंथ में, और 51 से लेके आपको सेकंड मंथ में मिलेगी। ओके, तो ये तो हो गया पहला डाउट जो कि काफी सारे लोगों को परेशान कर रहा था, लोग बोल रहे थे, काफी सारे लोगों ने तो छोड़ तक दिया था रैंक पुश ये सोच के कि 1 महीने में नहीं हो पाएगा। तो भाई अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो, अभी 2-3 वीक ही हुए हैं मेरे ख्याल से, तो इजीली आप कर सकते हो, सेकंड वीक अभी चल रहा है, तो काफी सारा टाइम है, कर सकते हो यार, 60 डेज है, सोलो टीपीपी या सोलो एफपीपी में आप इजीली कॉन्करर कर सकते हो, है ना। दूसरा डाउट जो था लोगों का, काफी सारे ये भी कमेंट थे कि भाई टॉप 500 तो आ गए, जो पहली बार पुश कर रहे थे उन्हें आइडिया नहीं था। तो भाई देखो, टॉप 500 आ गए आपको, कॉन्करर अभी नहीं मिला, आपको सुबह के 5:30 बजे सर्वर अपडेट होता है तब मिलेगा, सुबह के 5:30 बजे आपको टॉप 500 के अंदर होना है। जैसे आप 550 रैंक पर चले गए 5:30 बजने से पहले, तो आपका रैंक जो है वो 500 के ऊपर में काउंट होगा और आपको वहाँ पर कॉन्करर नहीं मिलेगा, आपको दूसरे दिन फिर से पुश करना होगा, टॉप 500 आना होगा और सुबह 5:30 तक वही रैंक मेंटेन करोगे तब आपको कॉन्करर मिलेगा। तीसरी चीज़, तीसरा जो डाउट था रॉयल पास गिव अवे के ऊपर, जो मैंने कहा था 13 अगस्त को मैं रॉयल पास दूंगा उस बंदे को जो मेरी पॉपुलैरिटी पर फर्स्ट पर रहेगा। तो अभी का अगर मैं सीन बताऊँ तो अभी जो बंदा टॉप पर बैठा है DHPT किंग करके, ये बंदा है अभी जिसने 28,000 पॉपुलैरिटी दी, अभी तक फर्स्ट पर चल रहा है, जिसको रॉयल पास मिलने के पूरे पूरे मुझे चांसेस लग रहा है। अगर अभी तक आपको ये चीज़ नहीं पता थी तो भाई अभी भी आप कर सकते हो ये पार्टिसिपेट, जो भी टॉप पर रहेगा 13 अगस्त को मैं उसे आरपी गिफ्ट करूंगा, रॉयल पास उसके अकाउंट में आ जाएगा या फिर 300 UC मैं उसे सेंड कर दूंगा। और काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई आप तो अपने क्लाइंटमेट्स, अपने टीममेट्स को ही रॉयल पास दे दोगे, तो भाई देखो जो भी मेरे क्लाइंटमेट्स होंगे टॉप पर मैं उन्हें नहीं दूंगा, अपने टीममेट्स को नहीं देने वाला। आप लोग जो YouTube से आओगे, जो भी वीडियो देखकर अगर आते हो, वहाँ पर जो लोग होंगे उनमें से अगर कोई टॉप आता है जैसे मैं नहीं जानता, तो मैं उसे रॉयल पास दूंगा। सो अभी का जो स्टेटस है वो यही है, सेकंड पर नॉक फिनिश भाई चल रहे हैं, जिन्होंने बोला था कि भाई मैं तो बिल्कुल टॉप पे आके रहूँगा, तो भाई ऑल द बेस्ट नॉक फिनिश, आप आओ टॉप पे, 300 UC आपके अकाउंट में आएगी अगर आप फर्स्ट पर आते हो तो। और अभी तक आपके पास भी काफ़ी सारी पॉपुलैरिटी भाई जमा करके रखे हो तो सेंड कर दो, उसे रॉयल पास में कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, और काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी रैंक क्या चल रही है और मुझे कितने पॉइंट्स और चाहिए। तो देखो उसके लिए आपको नीचे जो छोटा सा एरो दिख रहा है उस एरो पे जाओ, वहां पर क्लैन के नीचे देखो रैंक लिखा हुआ है, रैंक में जाओ, ऊपर जाके सेलेक्ट करो सोलो, जिसमें भी कर रहे हो, डुओ कर रहे हो तो डुओ, स्क्वाड कर रहे हो तो स्क्वाड। ओके, सोलो जाके सेलेक्ट किया, उसके बाद राइट साइड देखो रैंक के नीचे क्लासिक टीपीपी और क्लासिक एफपीपी ऑप्शन है, टीपीपी में कर रहे हो तो टीपीपी सेलेक्ट कर दो। उसके बाद देखो टॉप 100 पे कौन बैठा है, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ टॉप 100 पे जो बंदा बैठा उसके 4500 अराउंड कुछ उसके पॉइंट्स हैं, यानी एस के बाद 3 स्टार उस भाई ने किए हैं तब जाके वो टॉप 100 पे है। तो आपको टॉप 500 आना है, 100 की कोई नहीं है, टॉप 500 के लिए आपको लगभग 2 स्टार्स या फिर 150 पॉइंट्स प्लस करोगे इसके बाद तो भी आपको कॉन्करर मिल जाएगा टीपीपी में। और एफपीपी की अगर बात की जाए तो एफपीपी में देखो जो हमेशा रहता है
जो टॉप 100 पे अभी भी एस पे 30 पॉइंट समथिंग है उसके, 30 के आसपास पॉइंट्स हैं, तो इसमें भी काफी कम कंपटीशन है, एस पर ही आपको कॉन्करर मिल जाएगा। ये रैंकिंग ज्यादा बढ़ेगी नहीं। क्लासिक टीपीपी करके अगर बात की जाए तो सीजन एंड तक लगभग 5 to 6 स्टार्स तक आपको मिल जाएगा कॉन्करर सोलो। ओके, सो ये वीडियो यहीं तक था। इसमें मैं बस आपके डाउट्स क्लियर करना चाहता था, जो भी लोगों के मन में डाउट्स है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है सीजन को लेके, रैंक पुश को लेके, कॉन्करर को लेके, तो नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और बहुत ज्यादा बड़ा वाला डाउट हो तो उस पर वीडियो भी बनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर वीडियो यूजफुल लगा हो, कोई भी ऐसा डाउट हो जो आपको हो और यहाँ पर क्लियर हुआ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में अपने डाउट्स वगैरह ड्रॉप कर लेना। मैं कोशिश करूंगा हर किसी के कमेंट को रिप्लाई करने की। सो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना।